प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन दे देते हैं। हम सब जो दुनिया की चीज़ों में भड़क जाते हैं, हम सब जो यही सोचते हैं कि शायद जो कुछ आँखों से दिखता है, कानों से सुनता है, वही सब कुछ है, और हम सब जो कि बाहर की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, जब हमें प्रभु की याद आती है, वही मौके हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। हम सब प्रभु को जब जब याद करते हैं तो अपने अपने तरीके से याद करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द के ज़रिए हमें ये समझाया है कि कैसे बाहरी रूप से हम सब पिता परमेश्वर को अलग अलग लफ्ज़ों से, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पिता परमेश्वर कौन है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं। फरमाया कि कारण करण करीम कृपा धार रहे हैं, कि करने वाला और कराने वाला वो खुद है जिसने सारी सृष्टि रची, उनके भाने में सब कुछ रचा गया, जितने भी खंड मंडल बने, जितनी भी आत्माएं यहाँ भेजी गई हैं, सब प्रभु की रजा में बनी। कि कारण करण करीम, तो वही करने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया और वही करवाने वाले हैं। और कृपा धार रहीम, कि हम सब पर उनकी हर समय दया मेहर रहती है, वो कृपा करने वाले हैं और रहीम है, वो चाहते हैं कि हम सब अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जिएं। बार 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 जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं तो पिता परमेश्वर क्या हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, क्या मिल सकता है, यही महापुरुष समझाने के लिए आते हैं। हम लोग प्रभु को एक बेनिफैक्टर के रूप में समझते हैं, कि जब कुछ चाहिए तो प्रभु को याद करते हैं, जब सब कुछ हमें लग रहा है ठीक है फिर हम सोचते हैं ये तो होना ही ऐसे चाहिए था। जब जो मुश्किल इंसान की ज़िंदगी में आती है तब वो प्रभु को ज़्यादा याद करता है, क्योंकि हम उस मौके में जबकि हम जो भी हमारे अंग संग हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे, तो हम फिर उस समय पर प्रभु को याद करते हैं, क्योंकि अंदर से हमें मालूम है कि पिता परमेश्वर हमें मदद करेंगे, अंदर से हमें मालूम है कि उनकी दया दृष्टि होगी तो सब चीज़ें ठीक होंगी। तो उनको इंसान जब जब वो कुछ करना चाहता कर नहीं पाता तो उन्हें ज़रूर याद करता। चाहे दुनिया में लोग प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारें, संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हज़ार नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। वो फरमाते हैं कि प्रभु को हमने हज़ारों नाम दिए हैं, अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी जाति में, अपने अपने धर्मों में, तो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस नाम से हम प्रभु को पुकारें, हम तो प्रभु को पुकारना चाहते हैं, हम हर एक नाम से उसे पुकारें। ये ना समझें कि जो मेरा नाम है या जिससे मैं प्रभु को पुकारता हूँ वही सिर्फ सही है, क्योंकि पिता परमेश्वर तो किसी एक के लिए है नहीं। इस शब्द के ज़रिए हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज यही समझा रहे हैं कि बाहरी रूप से आए हम सबके अलग अलग हों, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं। तो आखिर में इस शब्द के वो समझा रहे हैं कि इंसान को जीना कैसे चाहिए, उसकी ज़िंदगी होनी कैसे चाहिए,
फरमा रहे हैं कहो नानक जिना हुक्म पछाता। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहो नानक के जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स हैं और जितने भी सिख हिस्ट्री में गुरु हुए हैं उन्होंने सब जब भी शब्द कहे तो आखिर वर्ष में अपना नाम नहीं यूज़ करा, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम यूज़ करा। तो ये शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का लिखा हुआ है, लेकिन एंड में उन्होंने कहा कहो नानक जिन्हें हुक्म पछाता, के वो लोग जिन्होंने प्रभु के हुक्म को जाना, वो लोग जिन्होंने प्रभु की रज़ा को पहचाना, वो लोग जो असलियत में पिता परमेश्वर की जानकारी पाल गए कि उनको क्या मिला। तो फरमा रहे कहो नानक जिना हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिना भेज जाता, कि उनको पता लगा कि पिता परमेश्वर का भेद क्या है, उनकी सीक्रेट क्या है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनको हम कैसे जान सकते हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। कि जिन्होंने पिता परमेश्वर के हुक्म को समझने की कोशिश की, उसको पहचाना, उनकी समझ में आया कि पिता परमेश्वर क्या है। सीमित बुद्धि है हमारी, हम सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंस उतनी है, किसी दायरे में सीमित है। जो पिता परमेश्वर जो असीम है, जो अनलिमिटेड है, जिनको कोई सीमा नहीं, जिनको किसी चीज़ में बंद नहीं किया जा सकता, जो सब चीज़ से बाहर हैं, जब उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा वही हिसाब है जैसे कि एक अंधा इंसान हाथी को जानने की कोशिश करता है। जिसको जो अनुभव होता है उस होता है वही परमात्मा है। तो यहाँ पर गुरु साहब समझा रहे हैं कि प्रभ साहेब का तिना भेज जाता, कि उन लोगों ने प्रभु को सही रूप से जाना जिन्होंने उनका हुक्म पहचाना। अब प्रभु का हुक्म क्या है? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानिए। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, सिमरन करो, कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाओ और मन को शांत करने के लिए प्रभु के नाम का जाप करो। हम तो दिन भर दुनिया के नाम का जाप करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये देखा हूँ, मैं वो देखा हूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चल जाऊँ। हम लोग सब सुबह से रात तक दुनिया के चीज़ों में ही लगे रहते हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को जानना है, उन्हें पहचानना है, तो उनके नाम का जाप करें, उनको याद करें, ध्यान उनकी और करें। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहा जाता है कि जब जब हम जाप करेंगे तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, वो कहते हैं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार। वो कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथ हैं उनका निचोड़ क्या है, उनका जो मैसेज है वो क्या है। वो कहते हैं मैं आदि साकी में ही आपको बता दूं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार सत नाम जग झूठ है। वो बता रहे हैं कि मैं आदि साकी में आपको बता रहा हूँ सच्चाई क्या है, कि ये जो ग्रंथों में हम पाते हो कहकर सत नाम, कि जो सच्चाई है वो नाम में है। नाम क्या है? कबीर साहब ने एक जगह और उसे फरमाया है, हम सब प्रभु को राम के नाम से जानते हैं। तो फरमाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबों तो न्यारा। तो कहते एक राम तो राजा दशरथ के जो बेटा थे, भगवान राम के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, एक तो वो थे जो शारीरिक रूप में थे,
एक राम घट घट में बैठा, वो दूसरा राम कौन? हमारा मन जो हर एक के अंदर बैठा है, जैसा मन चाहता है वैसे ही हम करते हैं। मन कहता है, उसकी इच्छा उठती है कि मैं ये नई चीज़ खरीदूँ, हम वो खरीदने चल जाते हैं। मन की इच्छा होती है कि मैं किस सैर करने जाऊँ, हम वो करना शुरू कर देते हैं। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जो दूसरा राम है हमारा मन है, वो एक राम का सगल पसारा कि तीसरा भी राम है, वो कौन है? काल, जिसने पिंड आंड और ब्रह्मांड में ये जाल बिछाया माया का। क्यों? क्योंकि उसकी रजा में यहाँ पे सब कुछ होता है। तो एक वो राम है और एक राम सबों से न्यारा, ये चौथा राम क्या है? ये संतों का राम है, जिसे नाम कहा गया, जिसे शब्द कहा गया है, जिसे होली वर्ड कहा गया है, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, जिसे क्रिएटिव पावर कहा गया है। एक जगह और गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि मिल पीवो भाई, कि मिल के बैठ के उस नाम को, शब्द को, उस सुरा का, वो उस अमृत को पियो, क्योंकि अमृत नाम निधान है। कि ये जो नाम का अमृत है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके जरिए सारे खंडमंडल बने, जिसके जरिए हमारी आत्माएं यहाँ धरती पर आई हैं, जिसको पकड़कर हम वापस प्रभु से मिल सकते हैं, वो निधान है, वो अनलिमिटेड है, एवर लास्टिंग है, सदा सदा के लिए रहेगा। कि आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि जो चीज़ सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुई, वो प्रभु ने शुरू करी, वो तब भी सच थी, आज भी सच है, सदा सदा के लिए सच रहेगी। तो उस नाम की यहाँ पर कबीर साहब बात करें, जब कहते हैं कि सत नाम जग झूठ है, आदि जो वो कह रहे हैं कि एक वर्ष की जो आधा हिस्सा है उसमें बता रहे हैं कि सत नाम के सच्चाई क्या है। जो ग्रंथों का सार है वो क्या है कि सच्ची चीज़ नाम है, शब्द है, और जग झूठ है। ये जो दुनिया है ये माया की दुनिया। माया क्या होती है? जो देखने में कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। हम जब इस माया की दुनिया में जीते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ हम सोचते हैं असली है, तो हम एक स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप में से बहुत से भाई हैं जिनको स्वप्न आया होगा, जब भी स्वप्न आता है लगता है तो बिल्कुल ठीक है, जो भी स्वप्न में लगा जी आ रहा हो आपको सब ठीक लगे, जैसे आपकी नींद खुलती है लगता है ओहो ये तो स्वप्न था, तब यकीन होता है नहीं नहीं ये तो स्वप्न था। अभी क्या कि हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, हमारे अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, और वो मन के जरिए बाहर जा रहा है, मन इंद्रियों के जरिए उसे बाहर भेज रहा है। तो बाहर क्या? ये माया की दुनिया है। तो जो हम आँखों से देखते हैं हम सोचते हैं सच है, जो कानों से सोचते हैं सोचते हैं सच है, जो बाकी इंद्रियां हैं चखने की सूंघने की स्पर्श की उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं हम सोचते हैं वही सच है, और बाकी सब कुछ सच नहीं है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे कि जग झूठ है, कि जो हम इन इंद्रियों के जरिए ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ बाहर की दुनिया का, असलियत बाहर की दुनिया में नहीं अंदर की दुनिया है। कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाए, ये भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि सब कुछ घर में, सब कुछ हमारे अंदर है, असलियत हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं? उसे ढूंढने के लिए बाहर घूमते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाए, कहते हैं सब कुछ हमारे भीतर है, जो बाहर ढूंढ रहा है वो भरम की ज़िंदगी में पड़ा हुआ है, जो प्रभु को इधर ढूंढता उधर ढूंढता उधर ढूंढता है वो कभी भी असलियत को पा नहीं सकता। उसकी हालत वैसी जैसे मस्त डियर कहते हैं, वो हिरन जैसे मस्त की खुशबू आती है उसको बड़ी अच्छी लगती है, उसको सूंघने के लिए वो कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, थक टूट के थक जाता है, उसे समझ में नहीं आती कि उसके अंदर से वो खुशबू आ रही है। यही हालत हमारी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इंसान प्रभु को ढूंढने के लिए कभी ये ट्राई करता है, कभी वो ट्राई करता है, वो ट्राई करता है, तो कहते हैं जो वो थक जाएगा त
तब प्रभु तुम्हारे चरणों में आगे बढ़ेगा। तब उसे यकीन होगा कि ये सब मैं जो कर रहा था रिसर्च यहाँ 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 ये बेकार थी। वो यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम जग झूठ है, सूरज शब्द संहार। तो कह रहे हैं कि जो सत्य नाम है उसको जानना कैसे है, उसको पहचानना कैसे है। जो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं कि कहो नानक जिना हुक्म पहचाता, कि प्रभु का हुक्म को कैसे पहचाने, वो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सूरत शब्द संहार की जो हमारी सूरत है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, इसको शब्द के साथ हम जोड़ दें। संदर्शन सिंह जी महाराज ने भी कुछ ऐसा फरमाया है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर को हम जरूर पाएंगे, कि मिलेगा पिता परमेश्वर जरूर मिलेंगे। रूह को परवाज दे के देख जा, परवाज का मतलब उड़ान दे, कह रहे कि अपनी रूह को अपनी आत्मा को उड़ान दो, अभी शरीर के अंदर बंद है, इसको अंदर की दुनिया में जाने दो। वो हमारे बहुत करीब हैं पिता परमेश्वर, हमारे भीतर हैं, उससे करीब तो कोई हो ही नहीं सकता। उसे हम दिल से पुकारें, सिंसेरिटी से पुकारें, सच्चाई से पुकारें, उन्हें लगन से पुकारें, उन्हें सही तरीके से पुकारेंगे तो हम उन्हें ज़रूर पालेंगे। प्रभु तो चाहते हैं हम उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, लेकिन हम है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में रखते हैं। तो प्रभु का हुक्म यही है कि मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हूँ, मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, आप सबके अंदर बैठा हूँ, और उस हुक्म को पहचानने के लिए यहाँ हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं। और वो अंदर की दुनिया में जाना, रूह को उड़ान देना है, रूह को प्रभु की ओर बढ़ाना है, आत्मा से ऊपर उठना है। और इस समय जहाँ हम जी रहे हैं ये पिंड का देश है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसके आगे अंड का देश है, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है, और ये तीनों पिंड अंड ब्रह्मांड काल के दायरे में है। ये काल देश है, ये तीनों मंडल, उसके आगे पार ब्रह्म है और फिर सचखंड जो कि दयाल देश है। हम पिंड के देश से सचखंड तक जा सकते हैं अगर हम अपना ध्यान सच्चाई की ओर देंगे, क्योंकि मन हमारा हमारे आत्मा को ध्यान के जरिए बाहर लेके जा रहा है, इंद्रियां बाहर की ओर खेल रही हैं, उसे हमें अंदर की ओर लाना है।